السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات

उन्हें गलत अंदाज़ में उनका ज़िक्र मत करो फिन नुम कद इला मा मददमू क्योंकि वो उस चीज़ तक पहुँच चुके जिसे उन्होंने मुकद्दम किया है यानी वो अपने अंजाम तक पहुँच चुके अब उनके साथ क्या होना है उसे अल्लाह के हवाले छोड़ दो अगर उन्होंने नेक आमाल किया है इस दुनिया के अंदर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ बेहतरीन सलूक करेगा लेकिन अगर उन्होंने इस दुनिया में नेक आमाल नहीं किया वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की ख़िलाफ़ वर्जी किया करते थे तो फिर उसके अतबार से उनके साथ सलूक किया जाएगा लेकिन अल्लाह ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि हम वफात पाए हुए शख्स को गाली दें इस हदीस से सबसे पहली बात जो मालूम होती है वो ये है कि चाहे कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो चाहे कोई मुसलमान हो या काफिर हो अगर उसका इंतकाल हो चुका है तो उसको गाली देना ये हराम है उसे गाली देना ये हराम है अगर कोई शख्स वफात पाए हुए शख्स को गाली देता है या उसके हवाले से ग़लत बातें जिक्र करता है तो वो शख्स हराम काम कर रहा है उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी पकड़ होगी अच्छा अल्लाह के रसूल भी ज़िक्र कर दी वजह भी बतला दिया कि वफात पाए हुए शख्स को गाली मत दो वजह क्या है जब किसी चीज की वजह जिक्र कर दी जाती है तो उस बात को समझने में और आसानी होती है वजह यह है कि वो उस तक पहुंच चुके जो कुछ उन्होंने मुकदम किया है यानी जो कुछ उन्होंने आमाल किया है अमल किया है इस दुनिया के अंदर उसके अतबार से उनके साथ सलूक किया जा रहा होगा इस वजह से हमें उन्हें गाली नहीं देना है इमाम इबन असीर रहमतुल्लाह आल ने अपनी किताब गाबा फी मारिफतः सहबा के अंदर एक वाकया नकल किया है कि किरमा बिन अबू जहल ने जब इस्लाम कबूल किया इकरमा बिन अबू जहल ने जब इस्लाम कबूल किया तो लोग कहते थे हाद इबन अद्ल ये कौन है अल्लाह के दुश्मन का बेटा है इकरमा ने अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम से शिकायत की क्योंकि उन्हें यह चीज़ नापसंद लगती थी तकलीफ होती थी उनके लिए ये चीज कि कोई उन्हें कहे हादा इब्नो अदुविल्ला उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुबु अबाहु कि तुम इनके वालिद को गाली मत दो बावजूद इसके कि अबू जहल ने इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है बावजूद इसके कि अबू जहल ने ईमान को बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाई हैं। उसके बाद भी अल्लाह के रसोल ने फरमायाबाहू कि तुम इनके को गाली मत दो क्योंकि वफात पाए हुए शख्स को गाली देना उसके रिश्तेदारों में से कोई अगर जिंदा है अगर सामने मौजूद है तो उससे उसको तकलीफ पहुंचेगी जाहिर सी बात अगर कोई शख्स सामने हो मेरे मैं उसके वालिद को गाली दूं उसके वालिद का जिक्र गलत अंदाज में करूं इसे छोड़ दीजिए कि उसके वालिद कैसे थे लेकिन बहरहाल थे तो बाप ही उसके तकलीफ होगी कि नहीं तकलीफ होगी फितरी चीज उसे तकलीफ होगी इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाए हुए को गाली देने से मना फरमाया है या उसका जिक्र गलत अंदाज में किया जाए मखसूस सिर्फ गाली देना नहीं है बल्कि इस बात से आगाह करना है कि गलत अंदाज से उसका जिक्र भी नहीं करना है अगर उसने इस दुनिया के अंदर कोई गुनाह किया है आप जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसके इंतकाल के बाद माशरे में आम कर दें लेकिन इससे अलग है वो शख्स इस हुक्म से अलग है वो शख्स जिस शख्स का इंतकाल हो गया लेकिन उसकी फिक्र गलत फिक्र थी उसने कुछ ऐसी किताबें लिखी हैं उसने कुछ ऐसी तकरीरें की हैं जिन किताबों से आर्टिकल से या तकरीरों से इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है तो ऐसी शक्ल में उसकी उन खामियों का जिक्र बरमला तौर पर किया जाएगा कि अय मुसलमानों की जमात उस शख्स की तकरीरों को मत सुनना उसके अंदर ये ये खामियां हैं उसका इंतकाल हो गया है कोई आकर के कहेगा नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है हम उसे कहेंगे इस हुक्म से ऐसे लोग क्या है अलग है ऐसे लोगों की खामियों को जिक्र किया जाएगा इसी वजह से देखें ने कराम ने इसी तरीके पर अमल किया आप हदीसों को जब देखेंगे तो हदीसों में रावी आते हैं पूरी इन्होंने इनसे रवायत किया इन्होंने इनसे, इन्होंने इनसे इनसे फिर जा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचते सारे रवात का इंतकाल हो चुका उसके बाद देखेंगे मुहदसिन किसी के बारे में कहते हैं झूठा था वो शख्स क्या था ये रावी झूठा था और कोई बात कहते हैं उसकी खामियों को जिक्र करते हैं क्यों इस वजह से कि अगर उसकी खामियों पर उंगुली नहीं रखेंगे तो फिर ऐसी शक्ल में इस्लाम को और मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा। आखिरी बात इस हदीस के हवाले से ये जिक्र करनी है कि गाली देने के साथ साथ साथीबत भी नाजायज़ है और गीबत का भी वही हुक्म है जो हुक्म उस शख्स के लिए है जो इस ज़मीन पर मौजूद है यानी जिस तरीके से गीबत करना अगर कोई सामने है तो उसकी गीबत करना पीठ पीछे या जिस भी अंदाज में बाहयात शख्स की गीबत करना नाजायज है उसी तरीके से अगर कोई शख्स वफात पा चुका है तो वफात पाए हुए शख्स की भी गीबत हराम है कोई यह नहीं कहेगा कि उसका इंतकाल हो गया है अब तो गीबत जायज़ है उसके लिए नहीं अब उसकी गीबत करें जायज नहीं है इमाम बुखारी अलैह की एक किताब है अदबुल मुफरत उसके अंदर इमाम बुखारी रमत ने एक बाकायदा कायम किया है अल अलबतुलत मैत के हक में गीबत और उससे उन्होंने साबित किया है कि गीबत करना ये मैत के कहीं भी नाजायज और हराम है इस वजह से जिस तरीके से अगर कोई शख्स बायात है उसके हक में गीबत करना गाली गलोज देना गलत अंदाज में उसका जिक्र करना यह हराम है उसी तरीके से वफात पाए हुए शख्स के भी हक में उसे गाली देना गीबत करना गलत अंदाज में उसका तस्करा करना इससे हमारी शरीयत रोकती है और मकसूद हमारी शरीयत की यह है कि इंसान हुस्न अखलाक का पैकर बन जाए गलत आदतों से खुद को रोक ले अपनी हिफाजत कर ले अल्लाह रबुल से दुआ है तो हम तमाम लोगों को हुसन अखलाक का पैकर बना आमीन वाले वरहमत वरक ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन جزاك الله خيرا